हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आईक्यू मेंटर पर। आज तारीख है 19 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड है आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टार बना लीजिए कि भारत के भीम UPI को किस देश में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है भूटान। जी हाँ दोस्तों, भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम UPI को भी स्वीकार करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम भूटान के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है और यहाँ की करेंसी निगलत्रम है। और दोस्तों, वर्तमान समय में भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोटो त्शेरिंग है। कौन है दोस्तों? लोटो त्शेरिंग है। और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप डबल स्टार बना लीजिए, खास करके जो PET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गारंटी है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, तो आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। जी हाँ दोस्तों, देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। और दोस्तों, यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। और अभी हमने हरियाणा के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम हरियाणा के स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं, साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, हरियाणा की राजधानी अगर पूछता है तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके अलावा दोस्तों, राज्यपाल जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा में 5 है और विधानसभा में 90 है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा में कुछ नेशनल पार्क है जो कि UPSSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां से आपका डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर जो है वो प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत जो है वो गुरुग्राम में की गई है। और हरियाणा की पहली महिला सांसद यानी चंद्रवती देवी का भी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, हरियाणा में किया गया है। साथ ही साथ छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप स्टार बना लीजिए कि भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। और पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही साथ हरियाणा ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। और इसके अलावा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन भी किया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो हरियाणा ने जीती है। किसने जीती है? तो दोस्तों, हरियाणा ने जीती है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ममनून हुसैन। जी हाँ दोस्तों, ममनून हुसैन जो है वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये 12वें राष्ट्रपति थे, कहाँ के? तो दोस्तों, पाकिस्तान के। और ममनून हुसैन का जन्म जो है वो भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया है। और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। और दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान कि 1300 साल पुरानी मूर्ति मिली है। और पाकिस्तान और चीन के बीच में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया गया है। और भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। और पाकिस्तान ने
साइनोफार्मा कोविड 19 के टीके को मंजूरी भी दी है और पाकिस्तान ने साहिन 1A मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान देश के बीच स्थायी सिंधु आयोग की जो बैठक थी यानी 116वीं बैठक जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है और फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों में शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके से दोस्तों 90% जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड 19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो NTPC रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, UPSI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों गारंटी है कि पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड 19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, अगर आप से वियतनाम की राजधानी पूछ लेता है तो हनोई है और यहाँ की करेंसी क्या है तो डोंग है। और हमारा अगला प्रश्न है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई में गोल्डन वीज़ा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा को दुबई में गोल्डन वीज़ा जो है वो जारी किया गया है। और यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया मिर्जा अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यानी शोएब मलिक के साथ 10 साल तक UAE में रह सकेंगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछ लेता है तो कोपेनहेगन है और दोस्तों मुद्रा क्या है तो डेनिस क्रोन है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है तो अंद्रेस फाग रासमुसेन है। कौन है दोस्तों? अंद्रेस फाग रासमुसेन है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जिसे आप स्टार बना लीजिए, कि आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है। तो इसका सही आंसर है 8 लाख। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा है तो आइए हम आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है या फिर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने के लिए सोच सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 में किया गया है। और आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी क्या है तो अमरावती है और न्यायिक राजधानी कुरनूल है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी जो है विशाखापत्तनम है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा में 11 है और विधानसभा में 175 है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है, साथ ही साथ दोस्तों ऑनलाइन ग्रेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक भी पारित किया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जो है वो शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना कहाँ शुरू हुई है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में की है और आदित्यनाथ दास को आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अनूप कुमार गोस्वामी को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने मंदिर प्रबंध प्रणाली शुरू की है, साथ ही साथ नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश का नया चुनाव आयोग जो है वो नियुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। क्या लिया है? तो पशुओं के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS को आगामी 5 वर्षों यानी 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों किसानों को उनको वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, खास करके जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन गारंटी है कि छपा मिलेगा। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है 17 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो कैसा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजिए और आप हमारे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाएंगे, जहां पर दोस्तों अपकमिंग एग्ज़ाम के डिटेल्स, नोट्स, PDF सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।